हम मौजूद हैं माँ दुर्गटा माता के मंदिर के पास, जो कि बरगवां से थोड़ी सी दूर पर गिधेर गांव के पास ही है। आइए, यहाँ पर यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के दुकानदारों की कुछ समस्या है, उनकी समस्या के बारे में एक बार हम एक झलक सुनते हैं और उनकी समस्या को समझते हैं। दर्शन के उपरांत आइए हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के व्यवसायी लोगों से कुछ बात करते हैं, कुछ विशेष मुद्दों पर बात करते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? राजपति केवट। राजपति केवट जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर श्रद्धालु तो दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका सामना आप आम जनता को करना पड़ रहा है? जी, यहाँ पानी नहीं है, पानी की समस्या बहुत है। एक बोर है, उसमें जब लाइट कट जाती है बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक बोर है यहाँ पर? जी, एक दो तो हैंडपम्प दो तीन हो जाता है ना, टंकी बड़ी बड़ी बन जाती तो बढ़िया व्यवस्था हो जाता है यात्री लोग को। इधर जाने में पूरा पीछे साइड इधर बस्ती भी है, उधर पूरा तो रोड नहीं है, रोड बहुत खराब है। मतलब पानी और सड़कों की मूलभूत समस्या है यहाँ पर। कितने वर्षों से ये समस्या चल रही है? ये तो पहले थी, एक हैंडपम्प यहाँ पे था, अभी तीन चार वर्ष पहले खराब हो गया। अच्छा, फिर नहीं बन पाया, उसमें सौ पेड़ का चला गया जड़। और हाँ, और अगर बात की जाए, आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? हम तो यहाँ बहुत दिन हो गया, 17-18 साल। 17-18 साल में सड़कों की व्यवस्था थे फिर हम लोग। अच्छा, सड़कों की व्यवस्था 17-18 साल में कुछ सुधरी है कि वही हाल है? अब यही प्रधानमंत्री सुधर रहे सर, इसके पहले तो यहाँ बहुत परेशानी था, अब धीरे धीरे सुधर रहा है। अभी बारिश भी होता है तो रोड सब खराब हो जाता है, पूरा बह जाता है। अच्छा, पानी का रहा। अच्छा, और पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था तनिक भी नहीं है, बहुत परेशानी। मान लीजिए किसी को जल चढ़ाना हुआ है, किसी को नहाना हुआ है, और कुछ हुआ, खाना बनाना हुआ, लाइट कट जाती है तो पानी उधर नाले में पानी लेने फिर चला जाता है। अच्छा, नदी है जो। अच्छा, उधर झरना जो है, उधर झरने में चला, उधर भी सूख जाता है। अभी जब गर्मी सवार है ना, सब सूख जाता है गर्मी में। तो फिर उस समय कैसे लोग जिंदा रहते हैं यहाँ पर? मतलब पानी उधर कुआं है, घर है। अच्छा, पहाड़ के उस पार बस्ती है, वहाँ बस्ती पे वही जाते हैं लोग, तो वही मिलता है। अच्छा, हाँ, और पानी की यहाँ समस्या है। 17-18 सालों में अभी तक कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाई है। बहुत मोबाइल टावर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क का क्या? टावर एक तो है, आइडिया था, अब जियो हो गया है। अच्छा, तो नेटवर्क अच्छा बराबर पकड़ रहा है? हाँ, नेटवर्क तो अभी एयरटेल वोडा इधर है और नहीं पकड़ता। अच्छा, BSNL बस सिर्फ जियो पकड़ रहा है, हो गया। तो आप लोगों ने कहीं आवेदन, यहाँ के लोगों ने आवेदन नहीं किया कि यहाँ पर कुछ सड़कों और पानी की व्यवस्था हो जाए? आवेदन अब माता के पास तो आते हैं अधिकारी, विधायक जी भी लोग आते हैं, उनसे बोलते हैं, वो कमलेश्वर साहब करवा देंगे, कोई करवाते नहीं। अच्छा, कोई करवाते नहीं? सुभाष साहब भी आए। अच्छा, सुभाष वर्मा जी, हाँ जी, उनसे भी, और राजेंद्र मसरामपुर विधायक को भी आए। अच्छा, सब आए थे? सब आने के लिए बड़े बड़े आला अधिकारी भी माँ के दरबार में आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था 17-18 साल से उसी स्थिति पर है। पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी के दिनों में और भी हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ की स्थिति बदले और यहाँ पर पानी और सड़कों की व्यवस्था पूरी तरीके से संपन्न हो सके। कैमरामैन जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार पोलकुल पोस्ट की ओर से, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और अपने सुझाव हमें निरंतर भेजते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोलकुल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोलकुल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080।